वतन तुझे सलाम है, तू आन है मेरी, तू ही तो घर तू ही बसर, पहचान तू मेरी। वाकई में दिल भर आता है अपने देश अपने वतन की आजादी को याद कर। कहते हैं बहुत संघर्ष के बाद हमने इस आजादी को पाया है, पर क्या हम आज वाकई में आजाद है? क्या आज देश का हर नागरिक आजाद है? बिल्कुल नहीं। नजर दौड़ाइए और देखे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमें अंग्रेजों से तो आजादी जरूर मिली, लेकिन आज भी हम सामाजिक बुराइयों की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। कभी धर्म के नाम पर तो कभी मजहब या भाषा के नाम पर एक दूसरे को आज भी मारा काटा जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि किसी गरीब को एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है। इंडिया राइजिंग, इंडिया शाइनिंग, भारत तरक्की तो कर रहा है, लेकिन क्या वो तरक्की आम आदमी तक पहुंच रही है? गरीब और अमीर के बीच का फासला दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। तो फिर क्यों किसान आज आत्महत्या कर रहा है? क्यों बेरोजगारी है? क्यों गरीबी बढ़ती ही जा रही है? क्यों आज लाखों बेघर है? राजनीति में तो केवल भ्रष्टाचार ही है। समाज कल्याण के नाम पर अरबों रुपयों का हेर फेर होता है। हर व्यक्ति लालच में फंसा हुआ है। रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, लूटमार, आतंकवाद, नक्सलवाद, जात पात, भेदभाव, ये सब लोगों को केवल तबाही की ओर ही ले जा रहे हैं। पाप और गुनाहों का अंधेरा तब तक नहीं हटेगा जब तक आजादी और इंसाफ का मौसम नहीं आएगा। सारी दुनिया भर के 40% गरीब लोग जिस देश में रहते हो, क्या वो देश आजाद है?
सवाल बहुत, मसले बहुत, अंधकार बहुत, इंसान गुलामी में है और सबसे बड़ी गुलामी है गुनाह की। कौन चुकाएगा गुनाह की कीमत? कौन दूर करेगा गुनाह की फितरत? कौन आजाद करेगा पाप की बेड़ियों से? इंसान हार जाता है और हारता रहेगा, क्योंकि इन मुश्किलों का हल इंसान के पास नहीं, सिर्फ खुदा के पास है। मेरे अगले शब्दों को बहुत गौर से सुनिए। बेटा करता है आजाद जिसको, वो हकीकत में आजाद है। Whom the sun sets free is free indeed. कौन है ये बेटा और किस तरह वह हमें हकीकत में आजाद कर सकता है? उसका नाम है यीशु मसीह, जीवित और सच्चे परमेश्वर का एक लौता बेटा, जो इस धरती पर आया मनुष्य बनकर और क्रूस पर अपनी जान देकर उसने हमारी आजादी के सारे रास्ते खोल दिए। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौता बेटा हमारे गुनाहों के लिए दे दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए वो तबाह न हो बल्कि छूट जाए, आजाद हो जाए। इंसान ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पर यीशु मसीह कहता है, तुम्हारी आजादी के लिए मैंने अपना सारा खून बहा दिया। क्योंकि वो परमेश्वर है और केवल परमेश्वर ही ऐसी वाणी रख सकता है। तो आओ हम इन गुनाहों की बेड़ियों को तोड़ दे और इस दुनिया के मसीहा को अपने दिलों में आने दे। आज हम सब मिलकर अपने देश के लिए दुआ करें और अपने भारत को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, क्योंकि वो एक ही है, वो एक ही है जो हमारे देश को हकीकत में आजाद कर सकता है। जो अंधकार में घिरे हैं उनके लिए वो रोशनी है, जो नफरत के शिकार है उनके लिए वो मोहब्बत है, जो शांति से परे है उनके लिए वो शांति का राजकुमार है। मार्ग, सत्य, जीवन वही है। खुदा का कलाम कहता है कि धन्य है वो देश जिसका प्रभु यहोवा है। मानवता की दशा स्वराज्य से नहीं, पर परमेश्वर के राज्य के आने से ही बदल सकती है। आमीन।